हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हार्दिक राजपूत आपका स्वागत करता हूँ हार्दिक राजपूत स्टूडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं जो गवर्नमेंट की नई प्राइवेसी पॉलिसी आई थी ना, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो भी हम व्हाट्सएप में लिखते हैं वगैरह वो गवर्नमेंट को शेयर किया जाएगा और गवर्नमेंट आप पे नज़र रखेगी कि आप किसने उस बंदे ने कोई भी गलत काम वगैरह की इन्फॉर्मेशन फैलाई है। जैसे कोई दंगे होते हैं ना, जैसे बहुत जगह पर होता है हिंदू मुसलमान, उसमें गवर्नमेंट नज़र रखेगी किस बंदे ने ये सबसे पहले शुरुआत की थी और उसको वहाँ से जेल में डाला जाएगा। तो व्हाट्सएप ने, मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो व्हाट्सएप ने एक फाइल ट्रेडमार्क किया है जो कि उनके दिल्ली में हाईकोर्ट में उन्होंने फाइल बताया कि उन्होंने बताया कि जो गवर्नमेंट हमसे प्राइवेसी पॉलिसी चेंज करने के लिए बोल रही है, हमको बोल रही है कि आप अपनी प्राइवेसी को चेंज कर दो, इससे जनता का नुकसान होगा, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है ना उसको हानि हो जाएगी और फ्रीडम ऑफ स्पीच किल हो जाएगी। तो मैं बताना चाहती हूँ इसके दो मेन साइड इफेक्ट है और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो इससे अच्छी हो सकती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत सारे यूट्यूबर आपको बता नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं इसकी अच्छी चीज़ों के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसकी अच्छी चीज़ें। सबसे पहले तो अगर कोई बंदा अगर हेट फैलाता है, किसी जात के खिलाफ हेट फैलाता है, उसको पकड़ा जा सकता है बहुत ही आसानी से, ये इसकी अच्छी चीज़ हुई। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि इंडिया में बैन हो चुकी है, ठीक है, अगर कोई ऐसा सिखाता है कि आप इसे कैसे डाउनलोड करें, ये करें वो करें, तो इससे ये भी पकड़ा जा सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अगर कोई ऐसा फेक SMS फैलाता है कि आपको इतना रिचार्ज मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, जो कि बहुत सारा होता है हमको पता है, इससे ये भी बढ़िया है कि उसको पकड़ा जा सकता है कि जो बंदा ऐसे में आपको ऐसे SMS कर रहा है ना, उसको पकड़ा जा सकता है कि कहाँ से SMS कर रहा है और ये क्यों कर रहा है। बहुत सारे होते हैं कि आपको गवर्नमेंट इतना पैसा दे रही है, ये दे रही है, वो दे रही है, तो इससे बेनिफिट हो जाएगा गवर्नमेंट का। तो ये उसके अच्छे रीज़न है जिसकी वजह से आप इस प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट कर सकते हो। लेकिन इसके नेगेटिव पॉइंट में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि कोई भी यूट्यूबर आपको बता नहीं रहा है, अब जैसे इस टाइम पे कोरोना काल है, ठीक है, अगर किसी हॉस्पिटल में कितनी मौतें हो रही है एक दिन में, ये कोई नॉलेज शेयर करता है तो गवर्नमेंट उसको पकड़ सकती है कि ये हमारी कमियों को बता रहा है पूरा सोशल मीडिया पे। अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कोई ऐसी चीज़ें रिवील हो जाए जो कि गवर्नमेंट के लिए अच्छी ना हो, क्योंकि इस टाइम पे कोई भी सरकार है या कभी भी कोई भी सरकार आएगी, अगर वो चीज़ उस टाइम उसके लिए अच्छी नहीं रहेगी तो उस बंदे को पकड़ सकता है, वो गवर्नमेंट उस बंदे को पकड़ सकती है जो उस चीज़ों को डाले गवर्नमेंट के खिलाफ। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे गवर्नमेंट ने कोई नियम पारित किया, आपको पता होगा किसान आंदोलन हुआ था, ठीक है, तो किसान आंदोलन में जैसे गवर्नमेंट थी और किसान थे, तो किसानों ने इसका विरोध किया था। जो विरोध क्यों हुआ था, इसमें दो तीन रीज़न है। सबसे पहले तो जो उनका गांव में वगैरह में एकजुटता, और दूसरी थी उनकी व्हाट्सएप में एकजुटता। तो ऐसी करके यहाँ पे अगर ये फ्रीडम ऑफ स्पीच ख़त्म हो जाएगी व्हाट्सएप से, अगर बंदे पकड़े जाएंगे शुरुआत से जो कि फर्स्ट SMS कर रहा है इन चीज़ों के बारे में, जो कि जागरूक कर रहा है लोगों को गवर्नमेंट के खिलाफ, उसको भी पकड़ा जा सकता है, तो उससे फ्रीडम ऑफ स्पीच का नुकसान हो सकता है, किल हो सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, आप जैसे चुनाव आने वाला, ठीक है, अब अगर कोई गवर्नमेंट ने कोई काम किया है, आपको पता हो गवर्नमेंट बहुत सारे काम करती रहती है वगैरह वगैरह, अगर चुनाव के टाइम ये मैनिपुलेट कर दें, अगर गवर्नमेंट के खिलाफ किसी को मैनिपुलेट किया जा सकता है, जैसे अगर गवर्नमेंट ने कोई चीज़ बेकार की थी ना, तो उसको दबा सकती है गवर्नमेंट, अगर ये चीज़ें और लागू कर दे व्हाट्सएप पे और उसको किल कर दे, तो ये चीज़ें हो सकती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्हाट्सएप ने फाइल ट्रेडमार्क कर दिया है, वहाँ पे कोर्ट में बताया है कि गवर्नमेंट जो एंड टू एंड डिस्कशन रहता है ना, उसको तोड़ना चाहती है। तो मैं आपको बता दूँ, एंड टू एंड डिस्कशन होता है कि जैसे मैंने यहाँ से ही लिखा, ठीक है, किसी को, तो दूसरी जगह जाके वो अनलॉक होगा ही, तो उसको कहते हैं एंड टू एंड डिस्कशन, उसमें बीच में कोई भी बंदा उसे एक्सेस नहीं कर सकता है, जो कि गवर्नमेंट तोड़ना चाहती है। गवर्नमेंट बोल रही है कि आप जो बंदा SMS कर रहा है ना, कोई भी, चाहे कोई भी बंदा हो SMS कर रहा है, तो आप उसे हमको बताओ कि कौन सा बंदा आपको SMS कर रहा है। तो मैंने आपको बताया इससे नुकसान भी है, फायदे भी है, लेकिन इससे जो बंदा अनोनिमस रहता है ना, उसका बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा, वो किल हो जाएगा बिल्कुल पूरी तरह से। और मैं आपको बता दूँ, जो गवर्नमेंट उल्टे काम करती है ना, जो जनता के लिए अच्छे नहीं होते, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो जनता के लिए अच्छे नहीं होते, जैसे किसान आंदोलन वगैरह, तो उसको दबाया जा सकता है, किसी आंदोलन को दबाया जा सकता है। आपको पता है, अगर वो चीज़ सबसे पहले पता लग जाएगी तो उस आंदोलन को दबाया जा सकता है, जिससे कि गवर्नमेंट का बहुत ही ज़्यादा फायदा हो सकता है। ये रीज़न है जिसकी वजह से गवर्नमेंट बोल रही है कि आप हमको बताओ कि कहाँ से शुरुआत हो रही है। इसके अच्छे रीज़न में, बुरे रीज़न में, लेकिन लोग आपको सिर्फ अच्छे रीज़न बता रही है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो पास बेल आइकन आते हैं उसे जोर से दबा सकते हैं, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। तो थैंक्स टू वॉच, लव यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।